आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी मूली के पत्तों की सब्जी। मूली खाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मूली का तो हम पराठे वगैरह बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन इनके पत्तों को फेंक देते हैं। आज बनाएंगे मूली और मूली के पत्तों से बहुत ही टेस्टी सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। मूली की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मूली ली है। मूली को मैंने अच्छे से छील कर इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन्हें साफ पानी से धो लिया है। इसी तरह मैंने पत्तों को भी इस तरह बारीक काट लिया है और इन्हें भी अच्छे से धोने के बाद किसी जाली वाले बर्तन में रख देंगे, जिससे इनका सारा पानी निकल जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। मैं ये सब्जी सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी तेल डाल सकते हैं। तेल जब यहाँ पर अच्छा गर्म हो जाएगा, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 प्याज को इस तरह लंबाई में पतला पतला काट लिया, इन्हें डाल देंगे और प्याज को चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। प्याज को हमें यहाँ पर ज्यादा ब्राउन नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए इसे इस तरह फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम कटी हुई जो मूली है इसे डाल देंगे और इसे भी प्याज के साथ ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इससे हमें मूली को अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। मूली को फ्राई करने से सब्जी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में ये अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएगी। पत्तों को तो गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पत्ते तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी हम इसमें ये 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने इस तरह मीडियम साइज के टुकड़ों में काट कर डाला है और इसके जो अंदर पल्प होता है ना टमाटर के, वो मैंने बिल्कुल निकाल लिया है, जिससे मूली के साथ ही टमाटर भी यहाँ पर फ्राई हो जाएंगे। अभी इसमें हम थोड़े मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब मसालों को भी मूली के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब मूली को हमें यहाँ पर 90% तक पका लेना है। तो मूली हमारी लगभग 90% तक यहाँ पर सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसमें जो हमने पत्ते काट कर रखे हैं मूली के, उन्हें डाल देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि पत्तों की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, सब्जी आपको क्वांटिटी में थोड़ी कम लगेगी। इसमें हमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, पत्तों में वैसे भी बहुत मॉइस्चर होता है। बस ऐसे ही इन्हें 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और देखिए 2 मिनट में ही पत्ते कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसे चलाकर एक बार मिक्स कर लेते हैं। अगर आप सब्जी को ज्यादा देर ढककर पकाएंगे तो एक तो इसमें पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पत्तों में बहुत मॉइस्चर होता है, और दूसरा पत्तों का रंग काला पड़ जाएगा। तो अब हम इस सब्जी को ऐसे ही बिना ढके पकाएंगे। मूली हमने पहले ही अच्छी फ्राई कर ली है और जो थोड़ी इनमें कसर है वो पत्तों के साथ अच्छे से पक जाएंगी। पत्ते भी यहाँ पर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन इस सब्जी को हमें बिना ढके जब तक पकाना है जब तक इनमें से ये जो मॉइस्चर है ये बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, और जब इनमें से हल्का हल्का तेल निकलने लगेगा तब हम गैस को बंद करेंगे। इसी तरह से बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे। अभी आप देख सकते हैं इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहा है। अभी हम यहाँ पर गैस का फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इनमें से आपको जैसे मैं पलट रही हूँ इन्हें, थोड़ा थोड़ा तेल अलग चमक रहा है। तो बस सब्जी हमारी यहाँ पर बन गई है, अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। तो देखिए मूली और मूली के पत्तों की सब्जी बनकर यहाँ पर तैयार है। अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सब्जी देखने में जितनी ज्यादा अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। आप इस सब्जी को रोटी पराठा सबके साथ खा सकते हैं, आप इस सब्जी को टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। आप एक बार मेरे बताए गए तरीके से मूली के पत्ते की सब्जी जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।